बार माथा टेक मनी तोरे हृदय में कैसा याद रखना भगवान खाली नियम करो नियम से बिना नियम में कोनो होय नहीं कुछ होता है बोलो नहीं ना सिंदूर का डब्बा में क्या रखने बोली धान वही सिंदूर तो पहना पहन तेरा सिंदूर कमाल करेगा तेरा सिंदूर तुझको धोखा नहीं मारेगा यहाँ लक्ष्मण कहते हैं जो तुम्हारी अनुशासन पाओ ए दादा यदि तोहर ऑर्डर पाए जाए ना कम दुखाई वो ब्रह्मांड उठा हम धनुक तक ही ना पूरे धरती तक फुटबॉल के तरह उठा लेंगे बोलो भैया अब आप ही लोग विचार करो यदि लखनलाल पूरे धरती जो को फुटबॉल के तरह उठा लेंगे तो खड़ा किस जगह होंगे साधु बाबा कौन ठेला खड़ा अरे भैया पूरा पृथ्वी को बोलता है कम तू कई बोल ब्रह्मांड में उठाऊ पूरे धरती को मैं फुटबॉल के तरह उठा लूंगा तो एक पंडित कहता है भैया लक्ष्मण खड़ा किस जगह में होगा दूसरा पंडित कहता है पगला लक्ष्मण बोल रहा है जनक राजा को जनक अभी भी चिन्हो पहचानो मैं कौन हूँ मैं शेषनाग हूँ और मैं धरती को फुटबॉल की तरह उठा चुका हूँ भैया मैं धरती को फुटबॉल की तरह उठा चुका हूँ बोल हर हर दूसरा राम नाम में बहुत ताकत है चलो देखो राम नाम में क्या ताकत है सुनो सुनो एक दिन ही रामायण में सुनिएगा आप लोग एक पत्थर में राम लिख कर जल में दे रहा था वो पत्थर पानी में डूब रहा था जोर से बोलिए भैया डूब रहा था जोर से राक्षस की में सुन रहा जाकर रावण के किना कह रावण सीता माता के घुराई भी कहे अरे बहुत ताकत राम जी में है एक पत्थर में राम लिख देता है न वो पत्थर पानी में नहीं डूबता है रावण हंसने लगा ए बेटी सुनो सुनो रावण क्या कहता है रावण पगला राम जी जादू जानते हैं अरे हम भी एगो पत्थर में रावण लिख देंगे ना वो भी पानी में डूबेगा रावण आया पूरे राक्षस आए एगो पत्थर में रावण लिखकर पानी में दिया वो भी तैरने लगा लो भैया मामला गड़बड़ है वो भी तैरने लगा सबका विश्वास हो गया लेकिन मंजोदरी का विश्वास नहीं हुआ मंजोदरी शाम को पूछती है राजा सुने हैं राम नाम में पत्थर पानी में तैरता है आज रावण नाम से तैरने लगा बोला पगली चुप रहेगी हम भी जादू किए हैं क्या जादू किए हैं अरे पगली हमारा नाम से नहीं जब पत्थर को छोड़ रहे थे ना तो पत्थर को बोल रहे थे अगर तुम डूबेगा ना तो तुझे राम का कसम रहा मेरा नाम से नहीं राम का कसम से पत्थर पानी में डूबने रहा था भैया राम का कसम से पानी में पत्थर नहीं डूब रहा था तो राम का कसम इतना ताकत है तो राम का नाम में कितना ताकत है बोल हर हर जय श्री राम चलो भैया ओ हो कहते हैं जो है तुम्हारी अनुशासन पावो कम तू कई ब्रह्मांड और फिर की बात कांचे घट जिमी डहरो फोरी सकाउ मेरु मूला कई बतोरी एरुनी किना को काचा घोइला रकम जे भेल ना पाकल नै है सेटा के दबाई देले कि तुम चिपकाए वैसे धनुष को चिपका देंगे कौन कहता है कौन कहता है लक्ष्मण कह रहे तो हां वही तो पूछ रहे हैं भैया कौन कहता है हम कौन कहा था कुछ तो बोलो जोर से बोलो सब सुने कि नहीं कौन लक्ष्मण तो बोले हाँ और फिर कहते हैं भैया थोड़ा रिपीट कर तब प्रताप महिमा भगवान देखना दो भीतर में देखना दो स्टार्ट को देखो कहा
भगवान की। बच्चा लोग एकदम चुप चुप चुप। याद तो लक्ष्मण जी तो कहते हैं, लेकिन भैया क्या कहते हैं कि कांचा घैला के तरह इसको तोड़ देंगे, कमल के डांटा के तरह फोड़ देंगे, लेकिन किनके कृपा से? भैया किनके कृपा से? बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तब प्रताप महिमा भगवान कहाँ बापू रोपीना भैया यहाँ पर किनका प्रताप है? किनका प्रताप है? बोलो श्री राम। किनका प्रताप है? तो श्री राम का प्रताप है, तो एक बार राम राम करना पड़ेगा भैया। एक बार आप धीरे-धीरे बंद करो, ठीक से बैठो, दोनों हाथ उठा, जोर से बोलना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजा राम जय जय सीता राम जय जय। सॉलिड पार्टी थी। एक बार एक बूढ़ा लोग को देखते हैं भैया, दोनों हाथ उठा लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजा राम जय जय सीता राम जय जय। कुर्सी वाला बुढ़ा लो भैया, आप लोग भी कुर्सी में हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजा राम जय जय सीता राम जय जय। एक बार महिला लोग इधर, बहन दोनों हाथ उठा बेटी इधर नहीं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय भोला बाबा जय जय दुर्गा मैया जय जय। सॉलिड पार्टी है एकदम। एक बार कोना भैया, दोनों हाथ उठा लेना, जकर जकर हाथ हो उठा लो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। ओह गजब लग रहा है। भोला बाबा जय जय दुर्गा मैया जय जय। एक बार जापुन तोर इनो फोन का छे तो कुसुम तोर ही मूर्खे कुसुम तोर। ए मैया एक बार दोनों हाथ उठा लो सब औरत गाना। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राजा राम जय जय सीता राम जय जय। फर्स्ट प्राइज एको खाली बूढ़ी नहीं गा रही। एक जगह प्रोग्राम करने गए, एको बूढ़ी को बोले थे, ए बूढ़ी मैया बोलो ना गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बूढ़िया हमरा बोलो तुम्हार लाज शर्म कोनो नहीं। हम बोले कहे बाबा ना पहले क्या बोले हेमंत बाबा ना गोविंद ना कैसे बोलबो हटाए तो हमारे भैंसुर एक नाम लगे। उसके बाद क्या बोले ना गोपाल ना कैसे बोलबो हटाए तो हमारे ससुर एक नाम लगे। सब औरत बोलती है गोविंद जय जय गोपाल जय जय। वो बूढ़ी बोलती है गुजरात जठक जय जय गुजरात दादू को जय जय। ना बोला गोविंद ना बोली गोपाल। गुजरात जठा माने गोविंद और गुजरात जठा माने इलाज तक है पाई।
एक बार भैया कुसुमधर वाला बोल दो भैया, एक बार पीछे वाले लोग, पीछे वाले यहाँ तक आवाज आना चाहिए, रिकॉर्ड हो रहा है। गोविंदा जय जय गोपाल जय जय, एकदम सॉलिड जगह है, जय नोनी। ओह यहाँ पर एक भैया हिंदी भजन होना चाहिए, अब राम जी उठेंगे क्या, लेकिन दोहा लगने दो, दो। हाथ जोड़ लो भैया, तोरो छत्र का दंड जिमी, मेरा वाला साथ कम करा ना, तहप प्रताप बोलना जो न करो प्रभु पद सफा, करण धरो धनु भात सियावर रामचंद्र शंकर भजू। बोलो हर 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 हर। बच्चा लोग हाँ ठीक है ठीक है, एकदम यदि तिन्ही का घर दक्षिण तरफ द्वार है, दक्षिण वही बाबू दक्षिण का द्वार में पर्दा लगा दो, दक्षिण तरफ पानी निकल रहा है, थोड़ा पानी को दूसरा तरफ घुमाओ, वो घर में शांति नहीं है। दक्षिण तरफ खिड़की है, पर्दा डालो, दक्षिण का हवा सब समय नहीं लेना, सावधान। बोलो दुर्गा मैया की, एबडी एकादशी व्रत करना, यदि कोई औरत एकादशी व्रत करती है उनके घर में कभी धन नहीं घटता है। दूठ एकादशी हवा मैया एक महीना, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष एक पक्ष वाला करना, शुक्ल पक्ष। हमारे हिंदू समाज को एकादशी के दिन में भात नहीं खाना चाहिए, हम लोग तो नहीं खाते, कभी नहीं खाते, रोटी खा, फल खा, दूध खा, लेकिन हम लोग कभी कभी एकादशी दिन में घर में अंडा बनाते हैं, बारे अगर जीवन का ठंडा हो गया। बोलो भैया पता नहीं है, ये सब तो जागना है बच्चा लोग, इसीलिए तो रामायण होता है। एकादशी पूर्णिमा दुर्गा पूजा अष्टमी शिवरात्रि है ना, इस समय भैया घर में लहसुन प्याज नहीं बनना चाहिए, यदि बनाओगे तो बनाओ, हम तो मना नहीं करेंगे, लेकिन बहुत दिक्कत होता है। बोलो हर हर, बोलो दुर्गा मैया की। ओह मेरे प्रभु, यहाँ पर एक भैया बात है उस्ताद, आपको उत्तर बताना है। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि ना कह कि यदि धनुक्ति तोड़े ला नहीं पार लिए तो हमें आज से अपन धनुक्ति नहीं धरी ले भैया। ये कौन सा कसम हुआ बच्चा लोग, बोलो बोलो। लक्ष्मण बोलते हैं कि तोरो छत्र का दंड जीवी तब प्रताप बोलना जो न करो प्रभु पद सफल, तो हर बड़े दिन देखे कहियो कर न धरो धनु भा, फिर हम अपने हाथ में धनुष नहीं पकड़ेंगे, तो क्या गले पकड़ेंगे क्या। लक्ष्मण कसम खाया है कि हम आज से धनुष नहीं पकड़ेंगे, तो क्या गले तलवार पकड़ेंगे, जवाब दो। इसी ने बोला आज से हम क्षत्रिय नहीं रहेंगे, हम दूसरा समाज में चले जाएंगे। कहा भैया अरे मातों का पहचान होता है, मुंडा का भी पहचान होता है, ब्राह्मण का भी पहचान होता है, सासुर का भी पहचान होता है, योगी का भी पहचान होता है, कैसे पता करोगे कुमारी लड़की लेकिन भैया कोई Thank you.
रामचंद्र भगवान की हर हर, बड़ा जोर से भैया हर 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 जय हो। भैया रिपीट काम कर देना, आप रिपीट मत पढ़ाइए, खाली बोलो बोलो, रिपीट हमको पढ़ाना नहीं है, एक करके करके छोड़ दीजिए। जय हो। सकल लोक सब भूपट रानी लक्ष्मण के कुशाका में बही डगमगानी मही दिग्गज डोले पृथ्वी हिलने लगी। पहला आप सब बच्चा लोग, ए बच्चा लोग सीख लो, पहला आप सब घर से बाहर निकलेगा यदि चौकट में ठोकर लग गया भीतर घुस के पानी पी के निकल गया तो मामला गड़बड़ है। घर से बाहर निकल रहे हो, कुर्ता को कोई काटी पकड़ लिया, जाके माँ बाप को बोर्ड लगकर निकलना, कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और यदि जीत करके निकल गया ना, दिक्कत हो सकता है। घर से निकल रहे हो, ए मेरी बच्चा लोग याद रखना, कोई औरत पानी लेके आ रही है तेरा फायदा होगी। यदि औरत पानी लेके आ रही है तो हम तो, यदि गाय बछड़ा को दूध पिला रही है बना हुआ बीड़ा हुआ काम भी तेरा बनता है। धूप दीप देना वही पांच जगह सिंदूर लगाना मंदिर आने के माथा कपाल गला हृदय यहाँ और यहाँ तो भूख जा जा। सिंदूर माने क्या? स्वामे हर्षि आधा नौ तमे हर्षु रो सिंदूर। सिंदूर का पहला अक्षर सौ, सौ माने सौ से स्वामी, स्वामी माने पति मानो, सौ से ससुर, ससुर को भी मानो, सौ से सास, सास को भी मानो, तकर बाद नौ, नौ माने ननद को भी मानो, तकर बाद दो, दो माने देवर को भी मानो, तकर बाद रो, रो से सब को मिलाकर घर में रख नहीं सकेगी तब तो तेरा सिंदूर का वैल्यू है भैया, तब तो तेरा सिंदूर का वैल्यू है। तो अखन सिंदूर वाला खाली स्वामी मानता है, स्वामी लुलु लुलु स्वामी क्या? अरे स्वामी, स्वामी मतलब पति, पति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ एक हस्बैंड, मैंने हंसा समय हंसते रहे। अरे हस्बैंड क्या 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 बेटी, फिर भैया बढ़ा दे रहा है। सौ से क्या मानोगे? सौ से ससुर, सौ से सास, सौ से स्वामी, नौ से ननद, दो से देवर, रौ से मिलाकर सबको रखो, उसी को तो सिंदूर कहते हैं। ए भैया यहाँ मेरी पृथ्वी डोलने लगी, जगह मकान वही दिक्कत डोली, सभी राजा लोग डर गए, एकमात्र खुशी कौन हुई? मेरी जानकी मैया। बोलो जानकी मैया की जय। जय हो। कैसे खुशी हुई भैया? सजना के देखी भुलाई गई रे। राम जी को देखकर सीता मैया भूल गई रे। सिया सजना के देखी भुलाई गई रे। बोलो भोले बाबा की। भैया रिपीट क्यों करते हो, थोड़ा कम कीजिए ना रिपीट। आपको कौन पढ़ाने बोला? भुलाई गई रे चरकुनी भैया मारांगिरी में। भुलाई गई रे, भुलाई गई रे सिया सजना के देखी भुलाई गई रे।
जय हो, बोलो भोले बाबा की। बच्चा लोग रेडी है? ओसिया सजना के देखी बुलाई गई चंद्र भगवान की। बच्चा लोग एकदम चुप हो जाना, एक आवाज नहीं करना। बच्चा लोग कान में सुनोगे, जिंदगी में अच्छा काम मिला है। पवित्र महीना, कौन महीना है ये वाला? कौन महीना है? हाँ, मार्च। तो रामायण में मार्च होता है? रामायण के अनुसार कौन महीना है? अरे वो बस एक नाम बोलो, बोल बम का नारा गए, बाप को फटक फटक के मारा है। देख बेटी, ओ देख लो, बोलो दुर्गा मैया की, काली मैया की। यहाँ गुरु जी कहते हैं विश्वामित्र समय शुभ जान, शुभ समय जान के कहते हैं क्या बोले अति स्नेह मय बाबा, प्रेम से माथा में हाथ लेके ले। बेटा राम उठ हो, राम भंज हूँ भव चापा। ए बेटा उठ, भाव भाव माने सी, भाव माने संसार, संसार के दुख को दूर करने के लिए उठो बेटा, उठो धनुष को तोड़ दो। मेट होता तो जनक परितापा, जनक राजा के दुख को दूर कर दो, जानकी मैया के लालसा को पूरा कर दो। सोने गुरु बचन, एक भैया गुरु क्या होता है? चरण सिर नवा। और रामचंद्र जी, राम भगवान, थोड़ा दूर सामने बिठाकर बोलिए भैया। हर हर सभी साधन कछु युरयावा। बाबूजी लोग
तखने पहले राजा के किना कर लियो मानसिक कर हर हे परिकर बांधी उठे यकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई मानसिक करके हे काली बाई यदि धनुक्ति भागने पाल लो तो कल पांच नारकेल देबो यहां राम जी को कुछ नहीं हर सब विषादन कछु युरयावा ना दुख हुआ ना आनंद हुआ क्यों नहीं दुख हुआ बोलो बोलो क्यों दुख नहीं हुआ क्योंकि राम जी को मालूम है हम वही विष्णु है सीता वही लक्ष्मी है कोई नया काम तो नहीं हो रहा है बोलो नया काम तो है क्यों नहीं हो रहा बोलो दुर्गा मैया की दुख क्यों नहीं हुआ तुम बोलो माने दुख क्यों नहीं हुआ माने खुशी क्यों नहीं हुआ इसीलिए खुशी नहीं हुआ कि धनुष तो हम तो तोड़िए देंगे इसमें बड़ी बात कौन सी हम सीता के इसीलिए हम सीता का है सीता हमारी है बोलो दुर्गा मैया की बोलो काली मैया की हे मैया और सर इधर देखो ठीक से बैठो ए बेटी कल से जो चाय बनाओगे ना क्या बोल के चीनी चाय डालोगे जय श्री राम हाँ चाय ठीक खाइबे कारण तो शुगर धर तू रोटी बनाओगे जय श्री राम बोल के बनाना सीरियल देख के रोटी बनाओगे तो घर में तो सीरियल हो गए करेगा बोलो हर 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 एक महीना करो बेटी हेमंत बाबा झूठ नहीं बोलता है शायद कमेटी हमको बायना दिया है ना नहीं दिया है हमको मालूम नहीं है नहीं दिया है ना पता अपना तेल भरा के आया है इससे बड़ा और सच्चाई क्या मांगते हो बच्चा लोग क्या मांगते हो बोलो आज के दिन में लोग कागज लिखता है आज के दिन में लोग बॉन्ड लिखता है और हेमंत बाबा ऐसे चलाता है इन्होंने बेटी मोबाइल डराग बेटी सुगा बातें फेसबुक चलो में कलीजुग का बेटी यह की सोचा रहती कलीजुग का बेटा बच्चा लोग एक बात बोले भैया सुनेगा कुछ छोड़ दो बंद करो कल से तो नौकरी करने के लिए बच्चा लोग सुंदर सुंदर जगह में पढ़ता है कोई आरटीसी में पढ़ता है कोई रांची में पढ़ता है कोई सोनाहातू में पढ़ता है कोई इंजीनियरिंग करता है कोई डॉक्टरी करता है लेकिन जीवन मुक्ति के लिए भी एगो कंपनी ज्वाइन करो बोलो कौन कंपनी बाबा बोलो बोलो जोर से बोलो यदि शिव जी का कंपनी ज्वाइन करेगा बच्चा लोग शिव जी का तो यहाँ पर त्रिपुंड लगाना पड़ेगा एक रुद्राज का माला पहनना पड़ेगा शिव कंपनी हो गया राम का कंपनी में ज्वाइन करोगे तो तुलसी माला पहनना पड़ेगा चंदन लगाना पड़ेगा कृष्ण के कंपनी में ज्वाइन करोगे तो तुलसी माला और चंदन काली दुर्गा मनसा बजरंगबली कंपनी में लाल तिलक जखन मरबे ना और यदि यहाँ पर त्रिपुंड है ना तो शिव जी बोलेगा मेरा कंपनी का राम जी बोलेंगे ना ना चंदन लगाया है मेरा कंपनी का बजरंगबली बोलेगा चुप लाल तिलक लगाया है मेरा कंपनी का ये खाली रहेगा ना तो जमराज बोलेगा मेरा कंपनी का इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे लोग हर बच्चा को डिजाइन बनाने के लिए भी एक तिलक लगाना चाहिए एक मोली बांधना चाहिए तब तेरा जीवन सुख रहेगा अरे यदि शर्म लगता है तो पानी का तिलक लगा लो जलम तिलक जल का तिलक लगा लो कौन मना करता है बेटी याद करो बोलो ना मास्टर साहब गोरु कड़े कहने रामायण करो रास्ता क्यों है ठीक से बैठो भैया लोग बोलिए क्यों नहीं गरु काड़ा सुनो भैया गरु काड़ा अपना धर्म नहीं छोड़ता है अगर गाय घास खाएगी तो गाय मांस कभी नहीं खाएगी अगर कुकुर मांस खाएगा तो कुकुर पुआर कभी नहीं खाएगा हाँ भैया खाएगा कुत्ता पुआर खाएगा अपना धर्म पकड़ता है लेकिन हम लोग घासो खाइबो और मांसो खाइबो इसीलिए मेरा राम जी कहते हैं जे खाइबे खाए लेकिन एक बार राम नाम गाना एक बार राम नाम में जतो पाप हो रे पापी हो ये तो पाप पूरी ते ना पा रही एक बार राम नाम में जतो पाप हो रे
पापी हुए तो पाप करते ना पारे कौन राम कखने राम का मैं पापी भई गई मरे एक समय इटा इंटरव्यू चलो ये ज्वाइनिंग नहीं हुआ है मरने के समय अगर मुख से ना राम निकला रे बेटा तो जीवन मुक्ति हो जाएगा ये तो रिहर्सल हो रहा है रे बच्चा लोग जय सिया राम बोल के अपना रूम में जाना बेटा सवेरे जब उठोगे हर लड़का लड़की अपने माँ बाप को देखो जय सीताराम पापा एक महीना करो ना तेरा घर हो जाए ब्याह बनेगा बच्चा लोग तेरा घर हो जाए ब्याह बनेगा क्या भैया बनेगा ना तखन बिहान खैनी माई बोलबे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की दुर्गा मैया की काली मैया की बोलो हर हर कैसे मान बोलेगा खाली समझने से होता है ना करने से होता है अब मेरे राम जी उठ रहे हैं भैया ओ चलिए उठी सहज सुभाए भवन जुबा मृगराज लगाए अरे बाबू मृगराज मन क्या मृगराज मृगराज मन शेर निरंकर शेर का बच्चा युवा शेर जवान शेर राम जी जब खड़े हो गए तो जवान शेर भी लजा गया कि इनके सामने हम बेकार हैं अरे राम तो राम मेरे भैया राम तो भैया इस समय हाथ जोड़ लो राम जी खड़े हो रहे हैं उदित उदय गिरी मंच पर रघुवर बहाल पत विकस संत सरोज सब हरस लोचन भिंग सियावर मेरे राम जी आज नारंगकिरी चरखुटी में खड़े हो गए हैं बच्चा लोग एक बार सब टोटल जिसका हाथ ऊपर है भैया वो सुपर है दोनों हाथ सब बोलना गोविंदा जय जय गोपाल जय जय राजा रामक जय जय सीता रामक जय जय भोला बाबा जय जय दुर्गा मैया जय जय बोलो हर 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 जय सिया राम मेरे राम खड़े हो गए हैं उदित अर्चनो उदित उदयगिरी मंच पर जनकपुर रूपी उदयाचल के मंच पर रघुबर बाल पतंग राम रूपी सूर्य डराई गला तो जब सूरज उगता है तो क्या होता है कमल खिलता है कौन कमल न बिकसे संत सरोज सब संत रूपी कमल गिला फूटी गला तो जब कमल फूलता है तो भौरा गुनगुनाता है तो कौन भौरा न हरसे लोचन भृंग नयन रूपी भौरा में राम रूपी सूर्य को देखकर जय श्री राम बोल रहा है बोलो जय श्री राम बापरे ए बच्चा लोग थोड़ा साइड हो जाओ बुढ़ा लोग को देखने दो जय सिया राम आप मेरे ए भैया जब सूर्य उठता है बाबू तो क्या चली जाती है हाँ बाबा सूर्य उठे किना चली जाए राय तो कौन राजा हो न निरपन्न केरी आशा निशी नासी राजा कर आशा रूपी राजता मेटाई जाए और जब तीन हो जाता है तो
ओ कौन कौन भैया, उल्लू अंधेरा हो जाता है, कौन उल्लू अंधेरा हो रहा है, न बचत न खत अब ली न प्रकाशी, बचन रूपी नक्षत्र जुगनू भिला नुका जागत मानी मही पकुमुद सुकुचा में, अहंकारी सालू फूल गिला कुमुद नहीं सुखचा जाता है, कपटी भूप उल्लू को लिकानी और दुष्ट राजा गिला उल्लू के तरह लुका जाते हैं। बोलो जय श्री राम। बहुत अच्छा लग रहा है, पौने बारह बज गया, छोड़ दें। डांस चलेगा, डांस करेगा, बाप रे, तो कहाँ डांस करेगा, जगह नहीं। जय हो। ओ एको भैया, एको बांग्ला गाना गाए, ऑर्डर है खिचड़ी के में। तुम करो खाली उधर, लो खड़ा करो उधर का जो परेशान है बेचारा, छोड़ दो खाली करो। अरे मेरा पार्टी देखो, उठा लो तो बहन, देख इधर तेरा हरा 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 हरा, बोलो बोलो राजा राम की, खाली बोलो बोलो राजा राम की। ये पार्टी भी लेकिन सुंदर है, लेकिन कुसुम तो जीरो है। जीरो नहीं है, बोले भैया उठा लो, पढ़ा लो भैया, हरा हरा ये पार्टी थी, हरा हरा बोल रहा बोल रहा, यहाँ टिकट बूढ़ी रहने दोस्तों।